हेलो और नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नंबर्स के बारे में, छोटे मोटे नंबर्स नहीं, बहुत मैसिव और बड़े नंबर्स जो हम बेसिकली रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, बट जानने में बहुत मजा आने वाला है। तो देखते रहिए ये वीडियो। सबसे बड़ा नंबर आपको बताने के पहले हम चालू करेंगे सबसे छोटे से। तो इस काउंटडाउन में सबसे छोटा जो हम नंबर लेने वाले हैं मिलियन। तो मिलियन जो होता है दोस्तों वो होता है 10^6, मतलब 1 के आगे 6 जीरोस। तो ये यूज होता है हमारे YouTube के व्यूज में, मिलियन व्यूज आए, 4 मिलियन व्यूज आए, करेक्ट, हमारे सब्सक्राइबर्स में, फॉलोअर्स में। तो एक स्टेप हम इससे ऊपर जाते हैं। अब हम आते हैं बिलियन पे, बिलियन विद अ बी। तो ये होता है 10^9, मतलब 1 के आगे 9 जीरोस। तो जो बिलियन होता है जनरली ये यूज होता है इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, जो अभी बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल है उसमें ऊपर आ गए हैं। तो उनकी जो वर्थ हो गई है वो आज है 77 बिलियन US डॉलर्स। बिलियन के बाद हम आते हैं ट्रिलियन पे। तो ट्रिलियन जो होता है वो होता है 10^12, मतलब 1 के आगे 12 जीरोस। जो ट्रिलियन होता है वो बिलियन से 1000 टाइम्स बड़ा होता है। सो देर आर ऑलमोस्ट 3 trillion ट्रीज ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड ऑल्सो देर आर ऑलमोस्ट 3 trillion फिशेज इन दी ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। उस पर अब हम आ गए हैं मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन से ऊपर, जो है नेक्स्ट क्वाड्रिलियन। तो क्वाड्रिलियन जो है वो 1000 टाइम्स ट्रिलियन से बड़ा है, मतलब 10^15, 1 के आगे 15 जीरोस, 1 के आगे, बहुत मैसिव नंबर है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा नंबर कहाँ यूज होता होगा। एक एस्टिमेट के हिसाब से दोस्तों देर आर ऑलमोस्ट 1 quadrillion एंट्स ऑन दी प्लैनेट अर्थ। अब मुझे नहीं पता कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये किस तरीके से इन्होंने डिराइव किए हैं, बट क्वाड्रिलियन नंबर्स और बड़े होते जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर जो है वो है हमारा क्विंटिलियन। तो क्विंटिलियन जो है वो 10^18 है, मतलब 1 के आगे 18 जीरोस। आप सोच रहे हैं कितना बड़ा नंबर है ये, वो बिलियन बिलियन है। सो देर आर ऑलमोस्ट 10 quintillion इंसेक्ट्स ऑन प्लैनेट अर्थ। तो ये बहुत बड़ी एक जो है नंबर है। और क्या हम क्विंटिलियन में कर सकते हैं, वो है रूबिक्स क्यूब की जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। सो देर आर ऑलमोस्ट 43 quintillion पॉसिबिलिटीज जो एक रूबिक्स क्यूब में होती है। Isn't that mind boggling? अब हम एक स्टेप और ऊपर जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं सेप्टिलियन पे। तो सेप्टिलियन जो होता है 10^24 होता है, इसे मतलब 1 के आगे 24 जीरोस। कैन यू इमेजिन सच अ ह्यूज नंबर। अगर आप एक ग्लास पानी जो है उसके आप वाटर मॉलिक्यूल्स गिनते हैं तो एक ग्लास पानी में आपके 10 septillion वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो जो सबसे बड़ा नंबर हम काउंटिंग में जनरली तो यूज नहीं करते बट होता है, वो है गूगल। सही सुना आपने, गूगल जो कंपनी का नाम भी है। ये जो वर्ड है ये 1920s में एक 9-year-old किड ने कॉइन किया था। तो इसमें 10^100 होता है, तो इसका मतलब 1 के आगे 100 जीरो। आप इमेजिन कीजिए 1 के आगे 100 जीरो, कितना ह्यूज नंबर है ये। अब गूगल इतना बड़ा नंबर है 10^100 की, इसमें बेसिकली आप क्या ही कैलकुलेट कर लोगे। आप बोलोगे कि अर्थ पे जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं शायद वो एक गूगल से ज़्यादा होंगे, बट नहीं दोस्तों, उसका भी एक एस्टिमेट है 2007 quintillion। सो वो भी एक गूगल नहीं है। लेकिन दोस्तों आपने एक ऐसी चीज़ ज़रूर देखे होंगे जिसमें गूगल में मेजर कर सकते हैं जिसको, और शायद आपने वो यूज़ भी किया होगा, आपके घर पे भी होगा। सो दैट इज़ योर चेस बोर्ड। जी हाँ, आपके चेस के जो कॉम्बिनेशंस होती है दोज आर मोर देन अ गूगल। और जो कॉम्बिनेशंस एक चेस बोर्ड पे हो सकते हैं वो है 10^120। तो एक गूगल से भी ज़्यादा। और ये जो 10^120 है ना दोस्तों, इसका भी एक स्पेशल नाम है, विच इज़ नोन एज द शैनन्स नंबर। ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने इसका एक अंदाज़ा लगाया था कि कितना कंजर्वेटिवली कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एक चेस बोर्ड पे। तो उनका जो अनुमान आया था वो 10^120, विच इज़ द शैनन नंबर्स आया था, एंड विच इज़ मोर देन अ गूगल। रुके, आप कहाँ जा रहे हैं, अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। गूगल अभी भी छोटा नंबर है दोस्तों, गूगल से भी एक बड़ा नंबर है जिसे हम कहते हैं गूगल प्लेक्स। हाँ, गूगल प्लेक्स, आपने सही सुना। तो ये जो होता है इसकी जो पावर होती है दैट इज 10^1 गूगल। सो बेसिकली होता है 10^100। सो 1 के आगे 1 गूगल जीरो। ये बहुत ही मैसिव नंबर है, इसे लिखना भी शायद बहुत
मुश्किल चीज़ है, तो गूगल प्लेक्स के बाद में एक नंबर बचता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ग्राहम्स नंबर। ये नंबर गूगल प्लेक्स से भी इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसे लिखा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात है कि ये नंबर जो है ये एक फाइनाइट नंबर है, ये इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट इज़ नॉट अ नंबर, इनफाइनाइट इज़ जस्ट एन आइडिया। तो अगर मैं कहता हूँ कि 2 ग्राहम्स या 3 ग्राहम्स, बट स्टिल वो इन्फिनिटी से कम होगा। तो मैथमेटिशियंस ने और साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि ये जो इतना बड़ा ग्राहम्स नंबर है ये एक होल नंबर है, और ये डिविजिबल बाई 3 है, एंड इट ऑल्सो एंड्स इन 7। लेकिन इसे लिखना, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जितना भी हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ओके, उसमें जितने एटम्स हैं वो एटम्स भी 1 ग्राहम से कम है दोस्तों, कम। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो ज़रूर वो लाइक की बटन दबाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा ये बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं काफ़ी वीडियोस और रोल आउट करने वाला हूँ, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा नाम है आयुष, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।